बढ़ते आगे। इधर आर्यन ड्रग्स केस पे एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट पे एक्टर शाहरुख खान से हुई चैट पेश की है। ये चैट उस वक्त की है जब शाहरुख के बेटे आर्यन ड्रग केस में जेल में थे। इसमें शाहरुख वानखेड़े से एक पिता के तौर पर गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके बेटे को जेल में न डाला जाए। शाहरुख खान ने समीर को कई मैसेज भी भेजे थे। एक्टर बार बार कह रहे थे कि जेल में उनके बेटे आर्यन का ध्यान रखना और उस पर नरमी बरतना। समीर साहब, मैं आपसे कुछ मिनटों के लिए बात कर सकता हूं? एक पिता के तौर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्यन एक ऐसा इंसान बने जिस पर आपको और मुझे, हम दोनों को फख्र हो। एक पिता होने के नाते मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझता हूं। आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दीजिए। एक पिता होने के नाते मैं आपसे गुजारिश करता हूं। डियर शाहरुख, काश मैं आपका दोस्त बनकर इस सिचुएशन के बारे में समझा पाता, न कि एक जोनल डायरेक्टर के रूप में। प्लीज मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं, मेरे बेटे को घर भेज दो। ये एक पिता की रिक्वेस्ट है। समीर, प्लीज मेरा भरोसा मत तोड़ो, वरना मेरा आपसे और सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। शाहरुख, मैं चाहता हूं कि उस बच्चे को एक अच्छा माहौल देना, लेकिन कुछ बेकार लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में काम खराब करने में लगे हैं। मैं मानता हूं कि मेरा बेटा थोड़ा अलग मिजाज का है, लेकिन वो एक अपराधी की तरह जेल में रहना तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। आप उन लोगों की बातों में आकर मेरे बेटे का नुकसान मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप उसे ऐसी स्थिति में डाल दें कि जहां से उसका निकलना मुश्किल हो जाए। डियर शाहरुख, ये सब देखकर मेरा दिल बहुत दुख रहा है। हमारे साइड से भी कोई खुश नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए।